Hello everyone, we are going to start with the most important numerical from physics 2, jo har saal aate hi hai, very very important, that the numerical based on interference, that is biprism experiment, or you can say Young's experiment. Bahut important numericals hai. Ye numerical solve karne se pehle aapko biprism experiment bahut acche se karna hoga. Okay? Once you know what are the terms and all biprism experiment में, तो ये solve होगा नहीं तो solve नहीं होने वाली, ये पहला चीज़ है, ठीक है? एक 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 कहानी की तरह इसको अपन solve कर सकते हैं, otherwise not. सबसे पहले तो I will make a picture clear कि क्या-क्या चीज़ें मुझे चाहिए sum solve करने से पहले. तो you listen to it very carefully. Once you go through all these things which is required for solving sums, फिर सॉल्विंग के बाद बहुत इजी हो जाएगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसे ब्राइट और डार्क बैंड बनता है. ओके, ऐसे ब्राइट और डार्क बैंड बन रहे हैं. तो चलो सेंटर बैंड ले लेते हैं, यहां पे सेंटर में जो ब्राइट बैंड होता है. ओके, तो ये ब्राइट बैंड का डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर बैंड से सपोज सिक्स्थ ब्राइट बैंड, सेवेंथ ब्राइट बैंड का डिस्टेंस, लेट अस से एंथ ब्राइट बैंड का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एंथ ब्राइट बैंड, आई हैव रिटन बीबी, फ्रॉम सेंटर बैंड, फॉर्मूला है एन लामडा डी बाई डी. क्या फॉर्मूला है? एन लामडा डी बाई स्मॉल डी. ओके, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ एंथ डार्क बैंड फ्रॉम सेंटर बैंड, फॉर्मूला है एक्स एम इज इक्वल टू टू एम माइनस वन लामडा डी बाय टू इंटू स्मॉल डी. ये कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, ये समझ लेते हैं. ओके, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न में जो डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे ब्राइट बैंड और डार्क बैंड का फ्रॉम द सेंटर बैंड, उसके फॉर्मूले है. सबसे पहले तो आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए. इन शॉर्ट में आपको बता दो, ऐसा ऑप्टिकल बैंड चेक. ओके, और यहां पे एक सोर्स है, अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, और वो ऑप्टिकल बेंच है. काफी लंबी बेंच होती है और उसके ऊपर मार्किंग होती है लेटर से फ्रॉम 0 टू 150 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी है. ओके, तो यहां पे ऐसे मार्किंग किया हुआ ऑप्टिकल बेंच पे, और इसके ऊपर एक स्टैंड, एक रॉड है, और उस रॉड पे अपन स्टैंड माउंट कर सकते हैं. वी कैन माउंट स्टैंड ऑन दैट रॉड. ओके, तो लेटर से पहला स्टैंड जो है ना, वो पहला स्टैंड जो है वो स्लिट का है. ठीक है, स्लिट का स्टैंड है, अ वेरी नैरो ओपनिंग आई कैन से स्लिट से होती है. तो यहां से जो लाइट आती है, ठीक है, वो पहले स्टैंड पे आके गिरी, पहला स्टैंड बहुत इट्स अ स्लिट. ओके, और बहुत नैरो ओपन है, तो यहां से लाइट फर्स्ट स्टैंड पे आई, फर्स्ट स्टैंड से निकली. ओके, सेकंड स्टैंड मैंने लगाया बाइप्रिज्म का, तो यहां पे से जो लाइट आई वो बाइप्रिज्म पे जाके गिरी. बाइप्रिज्म ने उसके दो वर्चुअल सोर्सेस बनाए. कौन से सोर्सेस बनाए? वर्चुअल, S1 S2, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेस चाहिए. तो कोरेंट बनाने के लिए, टू मेक सोर्सेस कोरेंट, वी यूज दिस टेक्निक. ओके, तो यहां से लाइट स्लिट पे गिरी, स्लिट से लाइट बाइप्रिज्म पे गिरी, बाइप्रिज्म ने उसके दो सोर्सेस बनाए S1 एंड S2. ओके, ये जो S1 एंड S2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी. S1 एंड S2, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल डी. ओके, और ये यहां पे सुपर इंपोज हो गए, यहां से जो वेव्स आई, यहां से जो वेव्स आई यहां पे सुपर इंपोज हो गए,
Here is the eyepiece with the micrometer screw. Okay, मतलब यंग्स एक्सपेरिमेंट में इसको अपन स्क्रीन कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे अपन ये बैंड अपने को मिल जाता है. वी सी दिस बैंड. ठीक है, तो टोटल हाउ मेनी स्टैंड्स आर देयर? टोटल थ्री स्टैंड्स आर देयर. फर्स्ट स्टैंड इज अ स्टैंड ऑफ अ स्लिट. ओके, सोर्स से जो लाइट आती है वो स्लिट पे गिरती है, स्लिट से वो नैरो हो जाएगी और फिर किस पे गिरेगी? बायप्रिज्म पे. बायप्रिज्म उसके दो वर्चुअल सोर्सेज बनाएगा, S1 S2, और ये S1 S2 के लाइट यहाँ पे सुपर इम्पोज होके अपने को स्क्रीन पे दिखेंगे और स्क्रीन पे कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा. डन. व्हाट इज द एम ऑफ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट? इज टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट. इज टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो अपने बैंडविड्थ का फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, बैंडविड्थ या फिर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बनाया है एन सॉरी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी. ओके, व्हाट इज बैंडविड्थ का फॉर्मूला? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी. तो मुझे अभी लैम्डा फाइंड करना है. दिस इज माय एम, आई वांट टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट. तो फॉर्मूला क्या आएगा? एक्स डी अपॉन कैपिटल डी. डोंट यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी. ओके, नाउ इट इज वेरी सिंपल कि x is equal to lambda d by small d है, ये capital D क्या है? Slit और screen के बीच का distance capital D है, मतलब first stand और last stand के बीच का distance capital D है. Slit और screen के बीच का distance is capital D. It's a distance between slit and screen. अभी कुछ कुछ समय ऐसा दिया रहा है, सुनो, मतलब ये कहानी है तो आप स्टोरी की तरफ ले लो. कुछ कुछ समय दिया रहता है कि स्लिट और बायप्रिज्म में डिस्टेंस दिया रहता है, बायप्रिज्म और आईपीस में डिस्टेंस दिया रहता है. तो ऐसे अगर डिस्टेंस दिया रहेगा, ऐसा अगर डिस्टेंस दिया रहेगा, देन व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन कैलकुलेट, व्हाट यू कैन कैलकुलेट, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो? प्लस. तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल डी. ठीक है, तो जैसे सम साइन आपको समझ में आएगा. तो व्हाट इज कैपिटल डी? इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. स्मॉल डी जो है वो दो स्लिट के बीच में का डिस्टेंस है और वो वर्चुअल सोर्सेस है. तो इसको फाइंड करने के अलग सा फॉर्मूला है, रूट ऑफ डी वन डी टू. फॉर दैट यू रिक्वायर वन मोर स्टैंड एंड दैट स्टैंड इज अ स्टैंड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. तो ये फोर्थ स्टैंड है, वो सिर्फ मैं स्मॉल डी कैलकुलेट करने के लिए फाइंड करता हूं. तो ये जो स्टैंड है, ओके, व्हेन आई टेक इट हियर टुवर्ड्स द बायप्रिज्म, इधर इस तरफ मूव करूंगा तो मैग्नीफाइड इमेज बनता है, और इस तरफ मूव करूंगा तो डिमिनिश इमेज बनता है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने ये स्टैंड इस तरफ घुमाया तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, अगर उस स्टैंड मैंने इस तरफ घुमाया तो डिमिनिश इमेज बनेगा. ठीक है, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टैंड मैं इधर लेके जा रहा हूं, एकदम मैग्नीफाइड जो इमेज बनेगा, लेट दैट बी डी वन, और जब मैं यहां पे लेके जाऊंगा और तभी जो इमेज बनेगा दैट दैट बी डी टू, जिसको अपन इस माइक्रोमीटर स्क्रू से कैलकुलेट कर सकते हैं डी वन और डी टू की वैल्यू. ठीक है, सो याद रखो, व्हाट इज डी वन? व्हेन मैग्नीफाइड इमेज इज फाउंड, एंड व्हाट इज डी टू? व्हेन डिमिनिश्ड इमेज इज फाउंड. ठीक है, सो व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू रूट ऑफ डी वन डी टू. तो मैंने ये डी कैलकुलेट करने के लिए निकाला. एक्स क्या है? एक्स एक्स इज अ बैंडविड्थ, एक्स इज अ बैंडविड्थ. एक्स फाइंड करने के लिए मैं माइक्रोमीटर स्क्रू का यूज करूंगा. एक्स फाइंड करने के लिए मैं माइक्रोमीटर स्क्रू का यूज करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है माइक्रोस्कोप का, वो किसी एक फ्रिंज पर रख दिया. सपोज इधर एनी फ्रिंज, आई डोंट नो व्हिच इज सेंटर वन, तो मैंने किसी भी एक फ्रिंज पर रख दिया, मैंने रीडिंग नोट डाउन किया, फिर मैंने उसको घुमा के लेटर से मैंने टेंथ ब्राइट बैंड पर रखा. मैंने एक किसी ब्राइट बैंड पर रखा, फिर उसको घुमा के मैंने टेंथ ब्राइट बैंड पर रखा. ठीक है, तो मैंने फिर से रीडिंग नोट डाउन किया, लेट दिस बी एक्स वन, लेट दिस बी एक्स टेन. You understood? देखो, मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे ऐसे ब्राइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं. तो ब्राइट और डार्क बैंड जो मुझे दिख रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट ब्राइट बैंड पर रखा, मतलब एनी ब्राइट बैंड पर रखा, मैंने रीडिंग नोट डाउन किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू, फिर उसको घुमा के मैंने 10th ब्राइट बैंड पर रखा, तो मुझे 10 बैंड के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा. तो इफ मुझे 10 बैंड के ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, आई विल डिवाइड बाई 10, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट बैंडविड्थ. दो ब्राइट बैंड या फिर दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस, तो वो मैंने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज एक्स. ठीक है,
ये सारा आपको समझना है बहुत अच्छे से. इन शॉर्ट मुझे जो जो चाहिए वो बता रहा हूं. ये क्या है, दिस इज सोर्स, सोर्स से लाइट स्लेट पे गिरा, स्लेट से बाइप्रिज्म पे गिरा. बाइप्रिज्म उसके दो पार्ट, दो सोर्सेज बनाएगा, S1 S2. इन दो सोर्सेज के बीच में, इन दो स्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल d. वो स्मॉल d कैलकुलेट करने के लिए अपन एक स्टैंड यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का. ठीक है, जब स्टैंड इधर घुमाएंगे तो मैग्निफाइड इमेज बनेगा, इधर घुमाएंगे तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा. ठीक है, नाउ इस स्टैंड को मैं अभी उधर लेके जा रहा हूं इस तरफ, तो डिमिनिश इमेज बनेगा लेटर, डिमिनिश इमेज भी D2. तो D1 और D2 एक बार मिल जाएंगे बाई विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू, तो ये फॉर्मल बना के मुझे D पता चलेगा. कैपिटल D क्या है, स्लेट और स्क्रीन के बीच में का डिस्टेंस, वो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. और बैंडविड्थ फाइंड करने के लिए आप यहां से देखोगे, ओके यहां से आपको ये फॉर्मूला, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ब्राइट बैंड पे रखा, फिर 10th ब्राइट बैंड पे रखा, माइनस करके डिवाइड बाय 10 के आपको बैंडविड्थ मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन विच बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज फॉर सॉल्विंग. अभी मैं एक और आंसर यहां पे करूंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है, ओके जिसके ऊपर यू नो मैक्सिमम डिफिकल्टी आता है बच्चों को. देखिए ये दो स्लेट है S1 S2, हाँ आप एक काम करो, इनके बीच में का डिस्टेंस मतलब एक लाइन ड्रॉ करो. चलो लेट अस से ये आपका बोर्ड का पेपर है, ठीक है, तो आप ये 2 सेंटीमीटर या फिर ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, टोटल 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करो. ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, टोटल 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करो. ठीक है, देन यू ड्रॉ 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ओके ये S1 S2, ये S1 ये S2, ये S2 dash, ये S1 dash, और इसको ज्वाइन करो. ठीक है, और यहां पे मैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का लेंस बना, मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर का लेंस बना रहा हूं. एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगा, इट विल गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर, एक इधर से जाएगा, ये इसको ज्वाइन कर दो और ये रे डायग्राम अपना रेडी हो गया. इसी तो ये जो डिस्टेंस है वो डी है, ये मैग्निफाइड इमेज इसको मैं नाम देता हूं D1. ठीक है, अब समझ आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज यू एंड दिस डिस्टेंस इज वी. ठीक है, सिंपल. अब फिर से करते हैं, यहां से कम ऑन, ये कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल 2 सेंटीमीटर, दिस इज S1, दिस वन इज S2, ये 0.5 सेंटीमीटर निकालो और इसको ज्वाइन कर दो ऐसा. ठीक है, ये S2 dash, ये S1 dash, ये यहां पे मैंने 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का लेंस ड्रॉ किया. ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करके इसको ज्वाइन करो, इससे क्या होगा आपका ग्राफ जल्दी बन जाएगा. ठीक है, ये रे डायग्राम हो गया. तो ये यू है, ये वी है. ठीक है, दिस इज द मैग्निफाइड इमेज एंड दिस इज द डिमिनिश्ड इमेज. इससे छोटा इमेज नहीं बनेगा, इससे बड़ा इमेज नहीं बनेगा. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई, ये अभी वी हो जाएगा और ये यू हो जाएगा. पहले ये यू और ये वी था, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एग्जैक्टली इंटरचेंज हो गया. दिस इज लॉ ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई. ठीक है, तो ये डिस्टेंस स्लिट के बीच में का डेट इज डी, और ये जो है वो है D2. लेट अस से दो छोटे स्लिट के बीच में का डिस्टेंस दैट इज D2. ठीक है, सो नाउ टेल मी इफ आई अप्लाई हियर क्या आएगा बताओ. इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, दैट इज इमेज साइज इज D1, ऑब्जेक्ट साइज इज D, इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और यहां पे यूज करूंगा तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू बाय वी. So D1 upon D into D2 upon D is equal to V upon U into U upon V. This will get cancelled. So D1 D2 is equal to क्या आएगा D square. Therefore D की value क्या आएगी root of D1 D2. हो गया ना proof. अभी समझा मैंने ये क्यों proof किया, क्योंकि ये भी sums में formula की तरह use होता है. Image size upon object size, image distance upon object. तो ये भी एक formula है sums solve करने के लिए. ठीक है, so this is also important. चलो सेंटर से ब्राइट बैंड का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, xn इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय d.
सेंटर से डार्क बैंड 2m-1 लैम्डा d by 2d, ठीक है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल d by स्मॉल d, कैपिटल d क्या है स्लिट और स्क्रीन के बीच में का डिस्टेंस, स्मॉल d क्या है दो स्लिट के बीच में का डिस्टेंस, लैम्डा क्या लाइट की वेवलेंथ, x क्या है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ मतलब क्या दो ब्राइट बैंड या फिर दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस, दैट्स इट, इतना ही याद रखना। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम्स, ठीक है, थोड़े ज्यादा सम्स में सॉल्व करूंगा इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है इसलिए। In a Young's experiment, the distance between two consecutive bright bands produced on the screen at 1.5 meter from the slit is 6.5 mm. Distance between two consecutive bright bands is 6.5 mm. मतलब ये x हो गया and slit screen के बीच में का distance 1.5 meter. ठीक है? See अच्छे से पढ़ो. In Young's experiment, the distance between two consecutive bright bands produce on a screen placed at 1.5 meter from the slit. Screen is placed at 1.5 meter from the slit. That is capital D. Is 6.5 mm. What will be the fringe width if the screen is brought towards the slit by 50 centimeter? अभी बोल रहा है कि what is the fringe width? मैं लिखता हूँ इसको x dash. This is a new value. Initially कितना था 6.5. अभी बोल रहा है what is the fringe width if screen is brought near the slit by 50 centimeter. तो 1.5 minus 50 centimeter मतलब 0.5, that is 1 meter. अभी समझ गया आप? ये ऐसे sums आते हैं. Slit और screen के measure distance 1.5 meter था पहले. अभी उसने क्या किया? Screen को 50 centimeter से नजदीक ले लिया. तो अभी slit और screen में कितना distance है? 1 meter. फॉर्मूला क्या है? x is equal to lambda d by d, बराबर है? x is equal to lambda d by d में lambda ना चेंज हो रहा ना small d चेंज हो रहा, तो चेंज किस में हो रहा है? उन दोनों किस में हो रहा है? तो what is x dash? This is lambda d dash upon d. Therefore, I can simply write x dash upon x is equal to d dash upon d. तो x dash is equal to d dash upon d into x. So what is d dash? D dash is 1 upon 1.5 into 6.5. मैं mm में रखा हूं क्योंकि ये मीटर में था, ये मीटर में था, मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो आंसर किस में आएगा? जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? mm में आ जाएगा. इजी सिंपल और कॉमन सेंस का बात है. अगर d छोटा हो गया तो x भी क्या होएगा? छोटा आएगा. तो गारंटेडली आंसर 6.5 mm से कम आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट सम, वेरी इंपॉर्टेंट. इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज इज 6000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज फ्रॉम टू कोरेंट सोर्सेस एट पॉइंट पी on a screen is 0.0075 centimeter and at point Q is 0.0015 mm. How many bright and dark bands are observed between point P and Q? तो थोड़ा सा ना ये unique सम है, ठीक है? Now see how I'm going to solve it. क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लेना एक बार, फिर समझ में आएगा. ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे दो पॉइंट है P और Q. उसने बोला P पे पार्ट डिफरेंस 0.0075 mm है और Q पे पार्ट डिफरेंस 0.0015 mm है. तो P और Q के बीच में कितने पार्ट डिफरेंस है? और लामड़ा की वैल्यू उसने दी है 6000 एमस्ट्रॉन यूनिट. व्हाट इज वैल्यू ऑफ लामड़ा? इट इज 6000 एमस्ट्रॉन यूनिट. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. Point P. Path difference is equal to. अभी मैं क्या करूँगा? मैं अपना वो हमेशा का formula निकालूँगा. Path difference is multiple of lambda by 2. याद है आपको formula? तो path difference is equal to मैं लिखता हूँ P lambda by 2. Path difference का formula क्या लेगा? P lambda by 2. और मैं ये P calculate करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है? क्योंकि at point P the path difference is 0.0075, ठीक है?
तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो पार्ट डिफरेंस इज 0.0075, तो आई कैन राइट दिस एज सिंपली 7.5 इंटू 10 रेज टू मिलीमीटर ना, तो 0.0075, तो 7.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 mm, और उसको मीटर में बदला तो माइनस 6 आ जाएगा, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। P मुझे फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है उसने, 6 in 1000 m², तो उसका कितना वैल्यू आएगा, 6 into 10 raised to -7, ओके अपॉन 2, तो P इज इक्वल टू कितना आएगा, इट इज 15 into 10 raised to -6 अपॉन 6 into 10 raised to -7, तो ये तो हो गया 15 और 6, तो 150 upon 6 मतलब 25, ठीक है। Therefore, path difference is all multiple of lambda. अब समझ गए, P की वैल्यू 25 मिल गई, तो path difference कितना हो गया, all multiple of lambda by 2, मतलब all multiple मतलब 2m minus 1, और का वैल्यू क्या है, 2m minus 1 है ना, is equal to 25, तो 2m is equal to 26, तो m is equal to क्या हुआ, 13th dark band, तो point P जो है वो 13th dark point है, क्या है वो, 13th dark band है। Let us go for the next one, अभी बोल रहा है कि point Q पे कितना है, 0.0015 mm, तो बोलो at point Q पार्ट डिफरेंस कितना है, 0.0015, इसको 1.5 इनटू 10 रेज टू माइनस 6 मीटर लिख सकता हूं। चलो फिर से करते हैं, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं Q लैम्डा बाय 2, अब ये Q की वैल्यू निकालते, ठीक है चलो, तो Q इज इक्वल टू 2 इनटू लैम्डा, पार्ट डिफरेंस कितना है, 1.5 इनटू 10 रेज टू माइनस 6 है ना, अपॉन लामड़ा, लामड़ा की वैल्यू कितनी दी है, 6 into 10 raised to -7, तो ये हो जाएगा 2 1s, 2 3s, 3 1s, 3 0.5s, परफेक्ट, तो ये हो जाएगा 0.5, 2 1s, 2 3s, 6 और 0.5 और ये हो जाएगा 5, तो Q की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, ठीक है, Q की वैल्यू अगर 5 आ गई तो अगेन ये क्या हो गया, और मल्टीपल हो गया, ठीक है, सो पार्ट डिफरेंस इज और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, बराबर है, तो मुझे बताओ अगर और मल्टीपल है तो 2m minus 1 is equal to 5, तो 2m is equal to कितना आएगा, 6, तो m is equal to क्या आएगा, थर्ड डार्क बैंड, तो पॉइंट Q पे थर्ड डार्क बैंड है, तो यहां पे ये 13 डार्क बैंड है और ये जो है वो थर्ड डार्क बैंड है, अब ये 13 डार्क बैंड है और ये थर्ड डार्क बैंड है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने बोला है पी एन क्यू आर दी अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर बैंड, ठीक है, तो अभी थोड़ा इस चीज को समझ लो कि कैसे अपन इसको कर सकते हैं, अपोजिट बैंड पे दिया है तो ना, ये P है, ठीक है, और ये Q है, ये सेंट्रल बैंड है, ये है 13 डार्क बैंड, अपने को आंसर आया, और ये है अपना थर्ड डार्क बैंड, तो यहां से यहां तक टोटल कितने ब्राइट और डार्क बैंड है, तो मुझे बताइए ये 13 डार्क बैंड है तो सेंटर से लेके यहां तक कितने डार्क बैंड हो गए, 12, ठीक है, 13 काउंट नहीं करना, आई वॉन्ट टू फाइंड बिटवीन देम, तो यहां से लेके यहां तक 12 डार्क बैंड हो गए और यहां से लेके यहां तक 2 डार्क बैंड हो गए क्योंकि ये थर्ड डार्क बैंड है, तो 2 डार्क बैंड है, तो टोटल कितने हो गए, 14 डार्क बैंड, टोटल कितने हो गए, 14 डार्क बैंड, उतने ही ब्राइट बैंड भी होंगे प्लस सेंटर वाला ब्राइट बैंड क्योंकि सेंटर वाला भी ब्राइट बैंड है ना, तो ब्राइट बैंड अगर करेंगे तो 14 प्लस 1 तो कितना आएगा, 15 ब्राइट बैंड, ठीक है, तो टोटल डार्क बैंड कितना है, 14 और ब्राइट बैंड कितना है, 15, इज इट क्लियर,
So that is the answer. Okay, for how many bright and dark fringes are observed within P and Q. तो ये एक अलग टाइप का सम है, आप इसको सॉल्व करो अच्छे से. पार्ट डिफरेंस दिया था मैंने, फाइंड किया P का वैल्यू जो और मल्टीपल था, तो मुझे पता चला कि वहां पे P पे 13th डार्क बैंड बन रहा है. ठीक है, सेम वे मैंने Q का वैल्यू फाइंड किया, वहां पे मुझे पता चला कि वहां पे 3rd डार्क बैंड बन रहा है. तो P पॉइंट पे 13th डार्क बैंड बन रहा है, Q पॉइंट पे 3rd डार्क बैंड बन रहा है, एंड दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर बैंड. तो कितने ब्राइट और डार्क बैंड उन दोनों के बीच में रहेंगे, बिटवीन देम, दैट वी हैव कैलकुलेटेड. डन. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, लुक एट दिस सम. नाउ यंग्स एक्सपेरिमेंट, टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 4 mm. व्हाट इज द डिस्टेंस? 4 mm आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम यूनिट. दिस इज लैम्डा, 6400 एंगस्ट्रॉम यूनिट. Interference fringes are obtained at 60 cm from the slit. Interference fringes are obtained at 60 cm, that is capital D. 60 cm, okay? Slit. You have to find change in, now this question is incomplete. Now you have to find change in fringe width, aisa question aayega. You have to find change in fringe width, that is X. When distance between the slit is increased by 1 mm and distance between the slit is decreased by 1 mm. ठीक है, तो incomplete question है, पर आप समझ लो मैंने अभी complete कर दिया. In a Young's experiment, two slits are separated by 4 mm. दो slit के बीच में distance 4 mm है. Wavelength 6400 angstrom. Okay, and screen 60 cm पे. मुझे find करने का है change in fringe width. I want to find change in fringe width when it is, when the distance between the slit is increased by 1 mm. एंड डिक्रीज बाय 1 mm. तो मुझे चेंज इन फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है. ओके, तो x माइनस x डैश ये मुझे फाइंड करना है. चलो हेडिंग डालते हैं, व्हेन स्मॉल d इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm. चलो ये वाला सम करते हैं, ये वाला व्हेन डिक्रीज बाय 1 mm. तो नया स्मॉल d क्या आएगा, व्हाट विल बी न्यू स्मॉल d? इट इज 4 प्लस 1, इट इज 5 mm. Now you tell me D dash is greater than D. और फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला क्या है अपना, x is equal to lambda D by D. ये फॉर्मूला ना, x is equal to lambda D by D. तो x और D में रिलेशन कैसा है, इनवर्स है. तो अगर D dash D से बड़ा है तो मैं बोलूंगा x will be greater than x dash. तो चेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, x minus x dash. तो x की वैल्यू क्या है, lambda D by D minus lambda D by D dash. है कि नहीं? तो इसका क्या आएगा, लैम्डा डी ब्रैकेट में 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन डी डैश. लैम्डा की वैल्यू कितना है, 6400 एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो इसको कैसे लिखेंगे, 6.4 इनटू 10 रेज टू -7. कैपिटल डी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर मतलब 60 इनटू 10 रेज टू -2 मीटर. 1 अपॉन स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है, 4 mm. 4 mm मतलब 4 इनटू 10 रेज टू -3 मीटर में. माइनस वन अपॉन कितना दिया है, दैट इज गिवन 5 mm. तो 5 × 10⁻³. ठीक है, यू जस्ट कैलकुलेट दिस, यू विल गेट द आंसर. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, उसने क्या पूछा कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीज बाय 1 mm. डिस्टेंस डिक्रीज हो गया 1 mm से, तो कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, सो चलो, व्हेन डिस्टेंस between slit is decreased by 1 mm. So when it is decreased by 1 mm, तो नया क्या आएगा, d dash, बोलो, it is 3 - 1, that is 2 mm. Sorry, 4 - 1, that is 3 mm. ठीक है, now d is greater than d dash. Inverse relation है, तो x dash will be greater. तो मुझे change find करना है, तो x dash minus x. ओके, x डैश की वैल्यू क्या है, लैम्डा d बाय d डैश माइनस लैम्डा d बाय d. ठीक है, तो लैम्डा d कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन d डैश माइनस 1 अपॉन d. ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज 6.4 * 10 रेज टू -7, है ना, दैट इज 6400.
ओके कैपिटल डी क्या लगी 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर मतलब 60 इनटू 10 रेस टू माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन व्हाट इज डी डैश डी डैश मुझे कितना मिला 3 एमएम तो 3 इनटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर में कन्वर्ट किया माइनस 1 अपॉन कितना आएगा 4 इनटू 10 रेस टू माइनस 3 तो इसको सिंपल वे में तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है 10 रेस टू माइनस 3 कॉमन निकालो ठीक है तो 6.4 इनटू 6 6.4 इनटू 6 इनटू 10 रेस टू माइनस 8 ओके और नीचे 10 रेस टू माइनस 3 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 फिर इसको एलसीएम से सॉल्व करो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ठीक है सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं चेंज वाले तो चेंज फाइंड करना है x डैश माइनस x ओके नेक्स्ट अब इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेज ऑफ द सोर्सेस इज 0.6 mm ओके डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑफ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस मतलब s1 s2 वर्चुअल इमेजेस बनते हैं कि नहीं तो d की वैल्यू दी है 0.6 mm एंड डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज 1.5 mm दैट इज कैपिटल d 1.5 mm इफ द सेपरेशन बिटवीन 20 फ्रिंजेस आर 3 cm ऑन द स्क्रीन मतलब डिस्टेंस बिटवीन 20 फ्रिंजेस में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो मुझे बैंडविड्थ मिलेगा ना बैंडविड्थ क्या आएगा 3 अपॉन 20 सेंटीमीटर ये सिंपल है कि फर्स्ट ब्राइट बैंड पे रखा और 20th ब्राइट बैंड पे रखा तो 20 ब्राइट बैंड का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था तो दो ब्राइट बैंड के बीच में कितना डिस्टेंस है तो डिवाइड बाय क्या कर दिया मैंने 20 ठीक है तो ये x हो गया आपने वो कैलकुलेट क्या करना है वेवलेंथ तो ये एक ही गेम था तो ये इतना ही गेमिक्स था इसमें कि 20 फ्रिंजेस में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो बैंड विड्थ मतलब x मुझे फाइंड करना है तो इट इज 3 अपॉन 20 लैम्डा फार्मूला क्या आएगा x इज इक्वल टू लैम्डा d बाय d कैलकुलेटर गेट द आंसर इज इट सिंपल नेक्स्ट In a biprism experiment, interference pattern observed on a micrometer eyepiece, which is 1.5 meter from the slit. Okay. Distance kitna hai? 1.5 meter from the slit. The distance between two virtual sources, that is small d, is equal to 0.15 mm. The wavelength of light used is 6,500 angstrom, that is lambda. 6,500 angstrom in it. Find distance between 8 bright band and 5th dark band on the same side of the central band. देखो, distance between 8th bright band and 5th dark band on same side. अभी same side और opposite side का फंडा तो पता है कि अगर ये central bright band है और ये ऐसे bright band बने हैं तो ये हो गया सपोज फिफ्थ ब्राइट बैंड और ये हो गया मेरा एट्थ ब्राइट बैंड थोड़ा समझो तो सेंटर से एट का डिस्टेंस एक्स एट है ना और ये डार्क बैंड है और सेंटर से फिफ्थ डार्क बैंड का डिस्टेंस एक्स फाइव डैश लिखता हूं मैं ऊपर तो सेंटर से ये डिस्टेंस एक्स एट है सेंटर से ये डिस्टेंस एक्स फाइव है तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना आएगा इट इज एक्स एट माइनस एक्स फाइव तो सेम साइड में रहेगा तो हम माइनस करते यही चीज अपोजिट साइड में रहेगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये एक्स एट प्लस एक्स फाइव तो अपोजिट साइड में रहेगा सेंटर बैंड से तो प्लस सेम साइड में रहेगा तो माइनस सो आई वॉन्ट टू फाइंड ऑन द सेम साइड दैट इज एक्स एट माइनस एक्स फाइव डैश डैश का मतलब क्या है डार्क ओके डैश का मतलब क्या है डार्क तो अपना फॉर्मूला याद है फ्रॉम द ब्राइट बैंड एंड द डार्क बैंड स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था सेंटर से ब्राइट और सेंटर से डार्क बनने का फॉर्मूला ठीक है तो ब्राइट का फॉर्मूला क्या था एन लैम्डा डी बाई डी और ब्राइट का और डार्क का फॉर्मूला था 2m माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d तो वही यूज करो फिर सम सॉल्व हो गया चलो एट ब्राइट बैंड तो क्या आएगा एट लैम्डा डी बाई डी माइनस फिफ्थ डार्क बैंड 2 5 at 10 10 minus 1 9 तो 10 9 lambda d by 2d समझा 5th dark band
So 2 5s are 10, 10 minus 1 is 9, 9 lambda d by 2d. तो एलसीएम निकालो और आंसर आ जाएगा इसका एलसीएम कितना है 2d. ठीक है, ऊपर कितना मिलेगा 16, 16 माइनस 9 इज 7, तो 7 लैम्डा डी बाय 2d. तो 7 इनटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6.5 इनटू 10 रेस टू माइनस 7 मीटर में कैपिटल डी 1.5 मीटर ऑलरेडी है, 2 इनटू स्मॉल डी 0.15 इनटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर में, तो कन्वर्ट कर दिया वैल्यू सब्सट्रैक्ट करके द आंसर. ठीक है, ये टाइप के सम भी अच्छे हैं. फिर से देख लो, नेक्स्ट हो रहा है, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एमस्टोन यूनिट. द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाइप्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन बाइप्रिज्म एंड आईपीस इज 80 सेंटीमीटर. देखो स्लिट और बाइप्रिज्म में 20 सेंटीमीटर है और बाइप्रिज्म और आईपीस में 80 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आईपीस. तो स्लिट के स्टैंड से बाइप्रिज्म के स्टैंड तक 20 सेंटीमीटर दिया है और बाइप्रिज्म के स्टैंड से आईपीस के स्टैंड तक 80 सेंटीमीटर. टोटल कैपिटल डी क्या होता है स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस. ठीक है, दैट इज 1 मीटर. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस, दो वर्चुअल सोर्सेस में डिस्टेंस दिया हुआ है 3 mm, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर. ठीक है, चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, 4.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर. ये तो बाय डिफॉल्ट करना है, मैं अभी वो सब नहीं दिखा रहा हूं हर सम में, बट ये बाय डिफॉल्ट आएगा मीटर में कन्वर्ट करने का, सेम यूनिट में रखने का. इफ द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्सेस 3 mm हो गया, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट बैंड ऑन वन साइड ऑफ द सेंटर बैंड एंड फिफ्थ डार्क बैंड ऑन द अदर साइड. मतलब फिफ्थ ब्राइट बैंड ऑन वन साइड एंड फिफ्थ डार्क बैंड ऑन अदर साइड, मतलब दो अपोजिट साइड चाहिए सेंटर बैंड, तो प्लस होगा. तो x5 + x5' फिफ्थ ब्राइट बैंड और डार्क बैंड के ऊपर हम डैश डालते हैं, इन दोनों को उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये मुझे फाइंड करना है. चलो x5 + x5' ब्राइट बैंड का फॉर्मूला क्या है, n लैम्डा d / d, तो आ जाएगा 5 लैम्डा d / d प्लस प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपोजिट साइड ऑफ सेंटर बैंड चाहिए, इधर मैंने माइनस किया था क्योंकि वो सेम साइड ऑफ सेंटर बैंड था. तो ये कितना हो जाएगा 2 5 = 10, 10 माइनस 1 इज 9, तो ये होएगा 9 लैम्डा d / 2d, है ना. तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इट इज 2d और ऊपर अपने को क्या मिलेगा 2 5 = 10, इट इज 19 लैम्डा d / 2d. नाउ यू नो ऑल द वैल्यूज, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर, दैट सम इज गोइंग टू बी इजी, है ना. कैपिटल d की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 इनटू स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 3 इनटू 10 रेज टू माइनस 3, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. सिंपल, नेक्स्ट लास्ट के दो सम्स, वी हैव सॉल्वड मेनी सम्स ऑन दिस बिकॉज इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस है, इजी. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन दिस स्लिट इज 3 mm, बताओ ये क्या हो गया, स्मॉल डी 3 mm, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 mm, दैट इज कैपिटल डी 1 मीटर. इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 6000 एमस्ट्रॉन यूनिट, लाइट का वेवलेंथ कितना यूज किया 6000 एमस्ट्रॉन यूनिट, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, एक्स फाइंड करना है. ठीक है, वॉट विल बी द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इफ द एंटायर अपैरेटस इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. वॉट विल बी चेंज इन फ्रिंज विड्थ, अगर सारा का सारा अपैरेटस मैंने पानी में डाल दिया, अभी ऐसा करने से तो लैम्डा चेंज होगा, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बाकी स्मॉल डी चेंज नहीं होगा, कैपिटल चेंज नहीं होगा, पर लैम्डा चेंज हो जाएगा, बता कि नहीं. तो देखो फर्स्ट पार्ट में मुझे फ्रिंज विड्थ पूछा x, तो ये तो इजी है, लैम्डा d / d, है ना. तो लैम्डा की वैल्यू 6 × 10⁻⁷, कैपिटल d 1 और ये 3 × 10⁻⁴, तो 3 × 1 = 3 × 2 = 2 × 10⁻³ meter, दैट इज 2 mm. ये मैंने आंसर निकाला. अब मुझे चेन फ्रिंज विड्थ चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लेट अस से, ओके, या फिर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. तो 4/3 इज इक्वल टू
6000 upon lambda 2. 4 1s are 4, that is 5. So lambda 2 ki value 4500 Armstrong unit hai. Let us say this is lambda dash 4500 Armstrong unit pani mein dalne ke baad. अब मुझे बताओ लैम्ब्डा ग्रेटर देन लैम्ब्डा डैश है, देयरफॉर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स डैश, तो मुझे चेंज फाइंड करना है. चेंज मतलब क्या? माइनस एक्स माइनस एक्स डैश. फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्ब्डा डी बाय डी माइनस लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा डैश डी बाय डी. तो डी बाय डी कॉमन निकालो, अंदर बचेगा लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा डैश. तो डी बाय कितना आएगा? 3 mm, 3 × 10⁻³ ये हो जाएगा लैम्ब्डा. लैम्ब्डा कितना है? 6 × 10⁻⁷ माइनस 4.5 × 10⁻⁷. दिस सब्स्टिट्यूट गेट द आंसर. तो ये एक एक्स्ट्रा चीज अपने को करना पड़ा. पानी में डालने के बाद क्या हो रहा है? पानी में डालने के बाद वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो वेवलेंथ चेंज होगी इसलिए बैंडविड्थ चेंज होगी. तो वो चेंज फाइंड करना था. चेंज मतलब क्या? एक्स माइनस एक्स डैश या फिर एक्स डैश माइनस एक्स. तो वो तो यहां से ही पता चलेगा. ठीक है, डन. Let us go for the last sum. Again, in a biprism experiment, the fringes is observed on a focal plane of an eyepiece at a distance 1.2 meter from the slit. That is capital D, 1.2 meter. Okay, the distance between the central bright band and the 20th bright band. 20th bright band ka distance 0.4 centimeter. Dekho kaise likha maine x20. When a convex lens is interposed between the biprism and eyepiece, the distance of 90 cm from the eyepiece. देखो, ये समझ लो. पहला तो slit और screen के बीच में का distance. चलो, ये यहाँ पे slit है, ये यहाँ पे screen है, let us say eyepiece है. इसके बीच का distance 1.2 meter दिया, मतलब 120 cm. अभी उसने क्या बोला कि मैंने convex lens रखा है between the biprism and eyepiece at a distance of 90 cm from eyepiece. तो आईपीस से 90 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ये 90 सेंटीमीटर हो गया. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म टू बी, तो ये D1 की वैल्यू है 0.9 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस V क्या बनेगा? 90 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U क्या बनेगा? 30 सेंटीमीटर. देखो ये 90 है तो ये 30 होने वाला है, और मैग्नीफाइड इमेज जो बना वो दिया हुआ है 0.9 सेंटीमीटर. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट. क्या फाइंड करने का है? वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, सो आई होप दैट इज सिंपल. अभी आपको समझ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. द बाइप्रिज्म द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ फोकल प्लेन ऑफ आईपीस एट अ डिस्टेंस 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट. तो ये कैपिटल डी हो गया. द डिस्टेंस बिटवीन, अभी 20 ब्राइट बैंड का डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, मुझे वेवलेंथ फाइंड करना है. और ये कॉन्वेक्स लेंस वाला फंडा समझा, उसने कॉन्वेक्स लेंस 90 सेंटीमीटर पर रखा है फ्रॉम द आईपीस, तो वो स्लिट से कितना डिस्टेंस पे हो गया? 30 सेंटीमीटर पे. तो चलो, पहला फॉर्मूला, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है. तो इमेज साइज कितना है? 0.9 अपॉन डी, ओके, इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है? 90 अपॉन 30. तो 31 जा 33 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.3 सेंटीमीटर. ये डी हो गए. 20th ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है? 20 लैम्ब्डा डी बाय टी. तो ये वैल्यू उसने दी है 0.4 सेंटीमीटर. तो 0.4 सेंटीमीटर है, तो 0.4 × 10⁻². 20 × λ मुझे फाइन करना है. कैपिटल डी 1.2 मीटर है, और स्मॉल डी मैंने इस फॉर्मूला से कॉन्वेक्स लेंस वाले निकाला, और वो कितना आया? 0.3 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो आई थिंक लैम्ब्डा यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली. आप टेक्सटबुक के सम इसके प्रैक्टिस करो. थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया. देखो, हर सम अलग है, थोड़ी कहानी है. स्टार्टिंग का जो मैंने बार बताया बायप्रिज्म का, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, मैंने कॉन्वेक्स लेंस वाला फंडा बता दिया. यू ट्राई टू डू इट बिकॉज 3 मार्क्स ये आपको किसी भी तरह से चाहिए, और इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है. So it is very, very, very important chapter by prism. Don't put it for option. Solve as many sums as possible. Thank you very much, all of you.